इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाए। आज कहते हैं कि 1600 रुपए बीमा कराओ और उसके बाद में कोई मुआवजा मिलेगा। उस टाइम कोई बीमा कंपनी नहीं थी, उस टाइम कोई और बात नहीं थी। और चौधरी देवीलाल के टाइम में ओड़े पड़े और ओड़े पड़ने के बाद में उस टाइम से चौधरी ओम प्रकाश जी भी चौटाला जी भी थे। उस टाइम ओड़ा बस्ती बनी और उसका गिरदावरी डीसी सभी डीसी को कह दिया कि स्पेशल गिरदावरी करो। गिरदावरी हुई और उनको मुआवजा मिला। आज कब से किसान आंदोलन चल रहे हैं और सारे के सारे ये नरमा, अभी हम हैदराबाद से चल करके आए हैं, रास्ते में नरमे की बहुत बुरी हालत है और स्पेशल गिरदावरी के लिए लोग रो रहे हैं और चौधरी देवीलाल जी को याद कर रहे हैं और कहते हैं, मैंने बूढ़े आदमियों से सुना है कि आज अगर चौधरी देवीलाल होता तो स्पेशल गिरदावरी नहीं, मुआवजा पहले आ जाता और गिरदावरी बाद में होती। आज उनके किए हुए काम अनेकों काम ऐसे हैं जो आज किसान की बात हो, अभय सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी है, चाहे धान घोटाले की बात हो, चावल घोटाले की बात हो, चाहे गेहूँ घोटाले की बात हो, चाहे कोई बाजरा घोटाले की बात हो, घोटाले पर घोटाला हो रहा है इस राज्य में। और एक की भी आवाज, पत्रकार साथी बैठे कोई नाराज ना हो जाए मेरे से, सुशांत कोई एक एक्टर था नाचने गाने वाला, और नाचने गाने वाले की कितनी रिया, एक रिया नहीं पता नहीं कितनी रिया से गए, यही मेरी प्रेमिका, वो कहता है यही मेरा प्रेमी, ये मेरा प्रेमी। और उसकी आवाज आज 3-4 महीने से रिया सुशांत, रिया सुशांत, अब एक कंगना और आगे बीच में, अब कंगना रोड़ो बेचारा के, अरे भगवान कितने लोगों के दादा इस मकान होंगे, टूटे हैं सबके टूटे हैं, पर इस कंगना का मकान टूटा उसके लिए उसको कहते हैं बड़ा जुल्म हो गया। और मेरी जानकारी के मुताबिक जो मैं कह रहा हूँ, उसको जेड सिक्योरिटी दे दी कि इसको कोई खतरा नहीं, ये नाचने वाली जो है ना राज्यसभा में विधानसभा में बैठ रही है, इन्होंने कानून बनाना है, ये नाचने का कानून बनेगा क्या बनेगा। तो ऐसा है कि मेरा कहने का, आज किसान की बात नहीं कर रहा, आज किसान रो रहा है, आज व्यापारी रो रहा है, आज कर्मचारी रो रहा है, मास्टर लगे होकर के हड़ताल कर रहे हैं, जे वो तेरे पीछे ही मास्टर हैं। आज इस दुनिया के अंदर इस मोदी के राज में कोई भी सुखी नहीं है, उसका प्रचार बहुत कम है और कंगना का रिया का प्रचार दुनिया भर का है। मैं पहले कह चुका हूँ कि पत्रकार साथी मेरी बात का बुरा ना माने,